नमस्कार, मेरा नाम अनीता मीना और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मकर संक्रांति है, बहुत अच्छा और बहुत बड़ा पर्व है। आज के दिन स्नान होता है गंगा जी में और बहुत ही शुभ माना जाता है। तो माघ शुरू हो रहा है, उसके लिए इसका पहला शुरुआत में ये मकर संक्रांति शुरू होती है। तो इसी के लिए आज हम बना रहे जा रहे हैं। इसमें लोग लड्डू बनाते हैं, तिल के और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, तो हम शक्कर पारे बना रहे हैं। ये बाजरे का आटा है, बाजरे का आटा और गेहूं का आटा दोनों मिक्स हैं। बाजरे का आटा इसमें 4 कटोरी है और गेहूं का आटा 2 कटोरी है, क्योंकि बाजरा जो होता है ना वो टूटने वाला होता है, तो उसको बाइंड करने के लिए हमने इसमें गेहूं का आटा मिक्स किया है। तो 6 कटोरी के करीब है। 6 कटोरी से मतलब हुआ, ये हुआ लगभग वजन में 1.5 किलो के बराबर। और इसमें हम गुड़ डालेंगे, गुड़ के साथ बनाएंगे। तो ये गुड़ ले रखा है, तो गुड़ 1/2 किलो से ऊपर है, 2 कटोरी 3 कटोरी के बराबर है ये, तो 1/2 किलो से ऊपर है। लगभग 600-700 ग्राम के करीब ये गुड़ है, 600 ग्राम है लगभग वजन में ये गुड़। और इसके साथ हम बना रहे हैं। सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मैं इसको गुड़ को पिघला रही हूँ। पिघलाने के बाद हम जो इसका आटा तैयार करेंगे गून के, वो इसके साथ ही होएगा। तो पहले मैं इसको पिघला लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे दिखाती हूँ। ये मेरा घी है और मैंने घी अब सर्दियों में आजकल जमा रहता है, पिघला लिया है मैंने। इसको मैं निकाल दी हूँ और पूरा 1 कटोरी भर के मैं इसमें डालूंगी। तो 1 कटोरी का मतलब हो गया 250 ग्राम के करीब। अभी मैं इसको निकालती हूँ कटोरी में, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, कटोरी भी बड़ी वाली है स्टील की, पूरा 1 कटोरी भर के अच्छी तरह से मैंने निकाल लिया है। ये देखिए, आटा, बाजरे का आटा और गेहूं का आटा दोनों को मिक्स कर लिया। ये घी है, घी डाल रही हूँ मैं। सारा का सारा डाल देते हैं। अब घी को इसमें आटे में पूरी तरह से मिक्स करना है। मिक्स कर देते हैं पूरा का पूरा, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए, 1 कटोरी भर के बहुत अच्छी तरह से हमने तिल ले लिया है और तिल मैं इसमें मिला रही हूँ। पहले ही मिला दिया और साथ ही मेरा गुड़ पिघल चुका है, वो गुड़ भी ला रही हूँ, फिर गुड़ डाल के इसमें मिलाते हैं। इसमें तिल घी मिला दिया है और हाथ से बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। इसकी मुट्ठी बांध के दिखाते हैं अभी। ये देखिए, जब ये बंध रहा है तो ये समझ लीजिए इसमें घी बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गया। ये गुड़ है जिसको मैंने पिघला लिया है। तो मैंने आपको बताया था 1/2 किलो से ऊपर गुड़ था ये, लगभग 600 ग्राम के करीब। और इसमें मैंने 1/2 गिलास पानी डाला था, पिघला लिया है। अब मैं इसको डाल रही हूँ, घुमाते हुए डालती हूँ उसको मैं, सारे में घुमा दे और इसको पूरे में घुमा देती हूँ। जो सबसे नीचे का रहेगा उसको छलनी से छानना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो कुछ गंदगी होती है वो इसमें ना जाए, इसलिए निचार के डाल। इस नीचे का रहेगा, इसको थोड़ा छानते हैं। ये नीचे वाला जो था इसको मैंने छान लिया। सबसे पहले क्या करना है, इसको हाथ से थोड़ा भी गर्म है ये, थोड़ा मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद फिर इसको गूंदेंगे और इसे तैयार करते हैं। नहीं, हटा दे। तो ये देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आटा गूंद के तैयार हुआ है, एकदम बढ़िया कंसिस्टेंसी है इसकी। अब इसे गूंद लिया है और इसको पूरा अच्छी तरह से इकट्ठा करके रख रहे हैं। और इसके बाद अब इसे बेलेंगे या आपकी जिस तरह से भी इच्छा हो उस तरह से कर सकते हैं इसको हम, आपकी नहीं हमारी इच्छा हो। के लिए ये देखिए, मैंने तलने के लिए डाल रखा है इसको। और ये देखिए, बहुत नाजुक होते हैं, इसे बहुत आराम से हिलाना पड़ता है। देख रहे हैं कितना बढ़िया तल रहा है, बहुत आराम से हिला रही हूँ इसको, नहीं तो ये एकदम से इसमें बिखर जाएगा। अभी मैं इसको निकाल रही हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। अच्छे डार्क ब्राउन हो गए, तो खस्ता इतने हैं। ये देखिए, बहुत आराम से उठाना है इसको, नहीं तो ये टूट जाएंगे। एक दो तो थोड़ा थोड़ा पीस भी होगा इसके,
ज्यादा खस्ता होने की वजह से ऐसा होता है। वैसे भी ये जो इसमें जो बाजरा का आटा आता है ना, ये टूटता है। ये देखिए कितने बढ़िया खस्ता बन रहे हैं। और अभी हमने इसको भोग लगा के थोड़ा टेस्ट भी करके देखा, इतने बढ़िया बने हुए हैं ये, इतने खस्ता बने हुए से खाते वक्त ना ऐसे कुरकुर की आवाज आ रही है इसको, बहुत अच्छे बने हुए हैं। बस सारे के सारे, अब जब मेरे पूरे तल जाएंगे ना फिर मैं आपको दिखाऊंगी। आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और सबको मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये देखिए मैं तोड़ के दिखाती हूँ, इतने बढ़िया बने हुए, देखा अंदर से ही होते हैं। ये देखिए बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और आप भी बनाएं और जल्दी जल्दी बनाएं और खिलाएं और खुद भी खाएं। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जब का आटा गूंद के तैयार किया था और मैंने इसको तलने के लिए, जब फ्राई करने के लिए हमने इसको कढ़ाई में डाला, तो शुरू के जो दो तीन थे वो थोड़े से टूट गए थे। तो ये पता चला कि इसमें थोड़ा सा आटा मिलाने की और ज़रूरत है, तो हमने एक कटोरी आटा इसमें और मिलाया था, उसका बिल्कुल नहीं टूटे। लेकिन इसको तलना जो है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि ये जो बाजरा का आटा है ना ये बहुत टूटता है। इसलिए जब भी आप इसको बनाते हो, बाजरे के आटे के शक्कर पारे जब भी बनाएं, तो इसमें आटा ज़रूर मिक्स करना चाहिए, नहीं तो ये बेकार बनेंगे।